लोग देख रहे हैं यहाँ पे घटनास्थल पर चंद्रशेखर आजाद जी पहुँच चुके हैं और अपने काफिले के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे हुजूम इकट्ठा होते चले आ रहे हैं और ये काफिला उनका आ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हम दिखाएंगे आप लोगों को, ये हुजूम है उनका। ये चंद्रशेखर जी इसी गाड़ी में है, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार जिस तरह से आप देखते रहे। सर सर थोड़ा समय दीजिए, रोक लेते हैं ना ये पे। संजय आप तोड़िए ना, चंद्रशेखर जी का आगमन हो चुका है। बस रोक जा भाई, यही सब लोग रोक ले यार भैया, भीड़ नहीं भीड़ नहीं बताओ बताओ यार। क्योंकि जब तक उसको बीमारी पता हो जाए तभी तो इलाज करें, बीमारी ना पता हो तो क्या करें। अभी तो अपने लोगों को इनको भेजा, हल्ला मत मचाइए, हल्ला मत मचाइए। बचाओ, अब हम तुम्हें, तुम हमें बताओ, और रोने से अगर कुछ बदल रहा हो तो हम भी तुमसे तितते रो लेते हैं। अगर रोने से एक इंच भी इधर से इधर तुम्हारी बात बढ़ जाए, रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। अब हमें बात बताओ, और अगर कोई किसी चीज़ का भय डर हो तो अलग से बैठ के बता दो, समझ रहे हो। किसी भी ऐसा व्यक्ति कि ये वो कर देगा, एक चीज़ जान लो, जब हम खड़े हैं ना तो फिर वो चाहे वो सरकार हो कोई, तुम्हारी मूछ का पाल नहीं हो सकता कोई। मोबाइल बंद करो भाई, चाहे वो SSP हो, DM हो, ADG हो या फिर खुद से हो, अगर तुम तय करो कि हमें लड़ना, फिर किसी की हैसियत नहीं है, फिर हम इतना दबा ना नहीं कर ले एक मिनट। देखो भाई तुम लोग पीछे हो जाओ, मैं आखिरी बार चुप रहो, पीछे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ। मृतक के भाई है, ये मृतक के भाई है गमछा वाली। शांत हो यार, क्यों आगे बढ़ेगा, शांत हो बिल्कुल। अभी बाद में ये गिर जाएगी दीवार, कच्ची दीवार है। आप लोगों से कह रहे इधर महिलाएं बैठी हैं, ये गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, हमारी फोन के चक्कर में चोट लग जाएगी किसी को।
अब बताओ। 2016 में से पीड़ित थे। अच्छा, जिसमें एसएसटी लगा, घर पे चढ़ के मारे थे, उसमें हम ठाकुर लोग यही के ऐसे लोग। अच्छा, तो उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं लगी, अभी लग गई। घटना घट गई। कब का मुकदमा? 2019 एफ आई आर कॉपी 847 साल 504-627। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या हुई? ये तो इसमें लिखा हुआ 504-567 में लिखा हुआ। एस सी एस टी भी लगी हुई है भैया। अब हमें बताओ इसमें कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई सर ये उनपे क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उनपे कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई चार्जशीट कब लगी? चार्जशीट अभी लगी सर। अभी एक चार्जशीट कॉपी दी उन्होंने, चार्जशीट की कॉपी नहीं दी। तारीख क्या तुम्हें क्या बता रहा चार्जशीट का? नवंबर। हेलो, कंफर्म है? देखने चार्जशीट कॉपी क्यों नहीं ली? अभी ये नहीं, वहाँ पे सबमिट अभी कोर्ट में चढ़ी भी नहीं, सिर्फ न्यायालय पहुँची है। जब सबमिट हो जाएगी, सील हो जाएगी, तब हमें कहा ये देंगे। पर पुलिस नहीं, तो पुलिस तो इनको देगी नहीं। हाँ, ये तो अभियुक्त है। हाँ, तो तुमने तो वकील क्यों नहीं ली? अभी डायरेक्ट हम लोग अभी कुछ नहीं दिए। अरे तो ये इनको तो बिना मांगे देनी चाहिए। जब उन्होंने चार्जशीट लगाई है, चार्जशीट में क्या इनको तो देनी पड़ेगी। सबमिट भी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, ये होगी चार्जशीट वाले मुकदमा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब सर 2020 में मेरे भाई जिनकी हत्या हुई थी, मेरी भतीजी और मेरे भाभी यहाँ चढ़ के मारा गया। कब? जी 14 सितंबर 2020। इसके नीचे पेज है, दे दो। ठीक है, ये तो उसकी कॉपी भी पे काम एप्लीकेशन दे दिया माने लिखा कॉपी दी थी चौकी में थाने में उस दिन वाली लोधा वाली कुछ तहसील दिया के हम लोग दिए दरोगा जी बोले कि सपना घट है, शांति व्यवस्था कायम है। मतलब उसमें दर्शाया गया घटना सत्य है, लेकिन शांति चौकी तो है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ये इसमें किस किस तरह से मार पीट थी? हमारी मासी है मीनू देवी और सपना। रिपोर्ट वाली कॉपी दे दीजिए, रिपोर्ट वाली कॉपी दे दीजिए। एफआईआर हुई थी इसमें भी? नहीं, एफआईआर नहीं हुई थी इसमें। अच्छा, ये किसको दिया था? थाना दिवस पे, थाने पे दिया गया। उसके बाद तहसील दिवस पे, तहसील दिवस की रिपोर्ट ये है। लाओ दिखाओ, इसमें थोड़ा ब्लैंक। हां नहीं, वैसी कॉपी तो नहीं, छोड़ दो, इसकी कॉपी निकालो ना। 3 महीने बाद कर दूंगा तहसील की टेबल से। ऐसी थोड़ी रहती है, ये तो फोन से निकाले, पर इनके लॉकअप में सब रखा है, पर शराब बंद है। सी इसलिए नहीं है। कौन कर रहा है इसमें जांच? इस घटना में एफआईआर नहीं, पुलिस ही कर रही है। इस वाले चार वाले सील किसने किया? सीओ बोले थे, उसके बाद हम लोग जांच बड़ी ध्यान से एजेंसी की मांग कर रहे हैं, सील बंद करवा दिया। अच्छा हाँ ठीक है, पहली बार इस वाले उसमें पुलिस ने एसआईटी या किसी और से कोई जांच का वो नहीं किया, लोकल पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, ये बंद किया गया। उस परिवार में चार ही लोग थे, मतलब ब्लड रिलेशन वाले, मतलब एक ही परिवार से। अच्छा, बाकी आप उसके बड़े छोटे? छोटे। अब पहले चलो वहीं से स्टार्ट हो जाओ।
इस वाली घटना के बाद ये 14 सितंबर वाली होगी, उसके बाद 21 में मारा ये वाली दो जी 200 ये वाली इस बार की नहीं सर घाट पीछे की मारी एक और 21 सितंबर को मारे हैं और 19 तारीख को मुकदमा लिखा था एक हफ्ते बाद लोग हैं किसान लेने जी थोड़ा जगह दीजिए इनमें से एक है रवि एक है कमलेश काना है इसमें कमलेश है इसमें रवि है इसमें रामगोपाल है अशोक है अशोक अच्छा ठीक है इसमें से है दो लोग इसमें तीन लोग नए हैं ठीक है चलो इस पे क्या हुआ ये क्या घटना थी रुक जाओ इसमें इस पे ही दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर क्रास अच्छा 354 छेड़छाड़ का मुकदमा बोल रहे थे कि बाहर के लिए गेट के बाहर बोलो तो मुकदमा लिखेंगे तो हम लोग ने कहा कि अड़े थे मुकदमा ये ड्यूटी करते हैं बाहर तो हमने कहा कि गेट के बाहर बोलो मारे गेट के बाहर दिखाइए तब हम FIR लिखेंगे तो हम लोग कहा मुकदमा चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए हमको गेट के अंदर मारा गया तो हम बाहर नहीं बोले गेट तोड़ के ठाकुर लोग गेट तोड़ के घर में घुस के मारे ये घटना कब की है 21 दर्ज होती है 27 9 दिन बाद घटना की जानकारी 2 घंटे के अंदर दे दी जाती है थी 100 नंबर पे थाने पे मेडिकल भी हुआ था तुमने कभी कोर्ट जाके थाने जाके पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है रिपोर्ट भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि SC/ST एक्ट 60 डेज के अंदर नहीं नहीं वो तो चार्जशीट के लिए अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी होगी होगी ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं रूलिंग है अच्छा ठीक है इसमें भी चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई 21 वाले कारण ये था ना प्रशासन उनके यहाँ बैठती का प्रशासन उन्हीं का बैठेगा पार्टी वार्टी होती थी हफ्ते में एक बार उन्हीं का इसी को लेकर दर्ज कर दिया क्रास इनके ऊपर 203 क्राइम क्या 21 वाले में क्रास केस लेडीजों का नाम डाल दिया गया था एक मिनट में 504 और 354 गए किसके नाम है ये हमारे जेठों का नाम है ये मेरा बच्चे जो भी हाईस्कूल में नहीं पता था किशन की पत्नी डाल दिया गया था परिवार के संग जो है 354 इसको घटना कहाँ दिखाई है उन्होंने उन्होंने अपने घर पे दिखाई है 9 दिन बाद 354 इन्होंने कंप्लेन दी थी 9 दिन बाद सीन दिखाने 21 तारीख को कि हमारे घर पे कई सड़क पे गाय है इन्हें गलत किए छेड़े हैं और 9 तारीख को एप्लीकेशन 29 तारीख को एप्लीकेशन आपके यहाँ घटना हुई 21 तारीख को और उनकी FIR दर्ज हुई 29 को घटना उन्होंने भी दिखाई 21 तारीख मतलब पीटे आप अच्छा तो आप वैसे क्या आप में से कोई गया था उधर नहीं नहीं वो खुद आए थे हमारे दरवाजे नहीं पिटने के बाद गए थे नहीं नहीं रोने वो की भाई कंप्लीट प्लीज वो पर्सनल पुलिस 112 बुलाना चाहिए पर पर्सनल चौकी से पुलिस बुलाई और ऊपर से पुलिस प्रशासन भी आई है हमारे दरवाजे की क्यों गाली उली प्रशासन दी है हम लोगों को सिर्फ मेन कारण ये था सर 2019 से हम लोग सुलह नहीं हो रहे थे इसलिए ठाकुर बार बार चढ़ के हम लोग को मारा जा रहा बताओ ना कि लड़ाई में हमारे जेठ के सर भी फट गए हमारे बताए ना मेडिकल उनको लगता है कि तुम इंसान नहीं
कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, यही सोच रहे हैं। आप जानवर को कोई कुर्सी बिठाता है क्या? उनकी नजर में अभी आप जानवर हो, तो वो जानवर को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। प्रशासन के साथ आई थी, बोला चाहे एक बीघा बिक जाएगा, तुम लोगों को उजाड़ देंगे। इसी के एक हफ्ते बाद सर ये घटना, तो बचा हाँ, वो इसी के एक एक हफ्ते बाद ये घटना। चलो अब ये आखिरी वाली ये क्या है, पूरी घटना बताओ। मंडे पड़ रहा था, संडे था, 22 या 21 तारीख में ये घटना हुई। तो ये छुट्टी आए हुए थे, काम लगाए हुए थे, तो एक चाट वाला बोला कि भैया कहीं दावत गए हैं क्या? तो ये बोले कि दावत जाते तो उनको पता भी जाते, बस इतना घूमते ही तीन भाई वहाँ रहते हैं। एक भाई है। अच्छा, ये घटना किस तारीख की है? मुकदमा तो 25 में दर्ज हुआ, 25 को हम लोग को मालूम चला, 25 में मालूम हुआ, 25 में दर्ज किया। तब ये दौड़ते दौड़ते आए, एक पल्ला खुला हुआ था सर, एक पल्ला पड़ा, तो एक पल्ला के फिर चारों लोग पड़ा हुए और सबको रजाई से ढाक रखा था। लड़की बेबस पीछे कपड़े लिए, बीच में भी कपड़ा लिया था, वो ऐसे जान लीजिए सर, तीनों पे रजाई थोड़ी और लड़की बेबस थी, मतलब देखिए तड़पे करके कैसे लड़की पड़ी। कीड़े भी पड़े, एक लड़का गूंगा विकलांग था, विकलांग ना बोल सकता था ना कुछ करता था, मतलब बोल भी नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था, 10 साल का था। 21 को हुआ, 28 को SSP PRO से हमारी बात हुई, हम कहा सर मर जाएंगे तब FIR होगा क्या? 28 को तो SSP PRO फोन किया, तब भी मिस्टर साहब नहीं नहीं लिखा जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हमारे पास। पत्रकार लेके थाने में पहुंचे, धरखन में पहुंचे, किस जगह धरखन अनगढ़ आगे देखिए रांची है। बार बार आके चला जाइए, यही लड़का है जो मान ने बोला अमित ठाकुर। इनकी वाइफ रीना देवी को बाल पकड़ के मारा गया, नहीं चल पा, वो पीछे चल नहीं पा रहा, इनका जो है सर इनका हाथ भी वो फ्रैक्चर हो गया था, तो कहने तुम्हारी बीमारी है, बीमारी है, मेडिकल नहीं किए पुलिस वाले, कहीं बीमारी नहीं। इनका हेड भाई एक्स्ट्रा लिखा था, सुबह 2 बजे बुला लिए थे, 5 बजे तक बैठाए रहे, सारा दिन बैठाया था, कुछ नहीं ना सर। उसके बाद कंप्रोमाइज कर लो, सब हो जाएगा। और दो भाई तो आप लोग हैं, एक एक उनका क्या नाम है? फूलचंद। आपका क्या नाम है? लालचंद। भारत उसमें क्या कर रहे हैं? 11 लोग के नाम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, वो पहले वाले मुकदमे में
क्या सब भेजा गया थे? इसका अभी खुला जाँच मुकदमा नहीं लगाए और ये पवन सरोज उसको भेज दिया गया, मतलब जांच करे कोई बात नहीं, निर्दोष है वो तो प्रशासन जाने, लेकिन सर इनको तो एक हफ्ते से बैठाया गया और उसको एक दिन पकड़ा दूसरे दिन चलान कर दिया गया। तो हम लोग सर वहाँ चले गए करने मारे लिए, तो बोला कि प्रशासन भी हटा दिया यहाँ से घर से हमारे। मैं एसडीएम साहब को फोन किया, उनकी दो बहन है, माँ बाप नहीं है, जिनके बोलने वाले नहीं है, दोनों तो भाई छोटे हैं सर। हमारा भाई सही है, हमारा भाई छोड़ा जाए, अगर हमारे भाई नहीं छोड़ेंगे हम लोग भी जाएंगे, कौन हमको लोग खिलाए, वही हम लोग क्या खाए। इस वाली घटना पे क्या कहना है? कितने लोग आए? मोहम्मद का इनाम क्यों हुआ? वो मोबाइल से, उसकी वजह से वो नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं कौन उसके मोबाइल से मैसेज हो गया। नहीं तो पढ़ा लिखा तो बोल के कर लेते हैं इनका भी मोबाइल। जो आए थे रात में कैसे आए, कितने लोग आए थे मैं बताऊं? कितने लोग आए थे? मतलब 30-35 लोग भगा लाते हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं। बोलो सर, ठीक से बोल नहीं पाता है, हकलाता है। मुर्गी की दुकान खोलता, मछली मुर्गी की दुकान खोलता, उसको पकड़ने के बाद, इसीलिए पुलिस वाले भी नहीं मारे। उसके पकड़ने के बाद बड़े अधिकारियों को बाइट आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक समाजी है, मतलब ये इसी तरह ट्राइमेट करके एक समाजी बता के मुद्दे को खत्म करने का प्रयास। और दो लड़के पटेल को भी बताया जा रहा है, पर उनका भी कहना है कि हम हरियाणा में गाड़ी की नौकरी कर रहे हैं, लाइव वीडियो कैमरा प्रेजेंटिव एब्सेंटिव सब है वहाँ पे। एक चीज बताओ, उसमें उसके पवन के साथ उन लोगों को इन्वॉल्व दिखाया है? जी सर, पवन को पहले भेजा गया उसी केस में, दिखाया ना कि वो उसके साथ ही थे, तीन से दो बोलो कहाँ सर, पवन को भी जेल भेज दिया, पवन को तीनों को जेल भेज दिया जो असली मुल्क को बैठाए थाने। घटना के दूसरे दिन पवन को भेज दिया, घटना के 4-5 दिन बाद ये पटेल जो बताए जा रहे हैं दो लड़के, उनको और उनके परिवार वालों का क्लेम है कि हमारा लड़का वहाँ ड्यूटी करता था और जहाँ जिस एजेंसी में ड्यूटी करता था वो लाइव वीडियो के सामने ड्यूटी भी कर रहा है, और मॉर्निंग में उसकी प्रेजेंटी एक्सेप्टी दोनों जो अंगूठी के वहाँ करता है हरियाणा चंडीगढ़, और जिस एजेंसी में कर रहा है वो गुड़गांव में, गुड़गांव की एक एजेंसी भी एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे उनसे हम लोग का कोई वही नहीं हो पाया ना, उनके फैमिली आए। सर पहले दिन पवन को अलग खोला गया, फिर दूसरे दिन रजनीश और ऋषु पटेल को अलग खोला गया, इन दोनों का अलग है? पवन को पहले पवन और रजनीश में क्या कोई मित्रता है? कोई मित्रता नहीं। पवन को पहले दिन खोल दिया घटना, ये लोग वो दूसरे गाँव के इसको जेल भेज दिया, फिर हम लोगों ने कैंडल मार्च किया, फिर दबाव पड़ा, फिर दूसरे दिन दो लोग को उठा के फिर दूसरा खोल दिया। रजनीश पवन क्या एक दूसरे जानते? कोई नहीं सर, को भी ये सच बताना, हमसे अगर उम्मीद करते हो कि हम न्याय के लिए तुम्हारे लिए भी लड़े तो बेटा बताना सच। देखो एक चीज सुनो, तुम भी तो बच्चे हो ना, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो जाए इस पहले तो ना हो कुदरत ना, अगर कभी कोई ना माफी चाहते, लेकिन अगर सोचो किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो माँ बाप है ही नहीं, अच्छा नहीं होता ना वो आदमी ऐसा कुछ करता। देखो अगर वो दोषी है ना तो मैं उसकी बिल्कुल मदद नहीं करूँगा, अगर वो निर्दोष हो ना तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे, तो हम बड़े ना न्यायप्रिय बुरा नहीं करते ना बुरा चाहते नहीं, जैसी मैंने हमारी घर है मैंने तुम, अगर वो हुआ सही तो उसके लिए भी लड़ेंगे, लेकिन गलत हुआ तो फिर मदद, गलत को तो सजा मिलेगी तभी ठीक है। बोल रहा पुलिस आई
राह में कैसे कहा आई थी सब बोलो आपके भाई को कैसे बताई थी 22 तारीख को 3 बजे रात आई पांच गाड़ी आई हमारे घर 1:30 बजे रात आई 27 तारीख दरवाजा खुलाई हम लोग लग गए कौन आ गया हमको लोग को बाहर निकाल दिया गया हमारे भाई के अंदर 15-20 लोग अंदर थे 15-20 लोग बाहर पुलिस वाले पांच गाड़ी आई तो हमारे भाई के अंदर आधा घंटा तक के लिए थे हमारे पीछे बाहर ले आए हम लोग पूछ रहे हैं हमको लोग कुछ नहीं बताया जा रहा है ऐसे हम लोग रो रहे हैं तब भी नहीं बता रहे हैं कहें अभी छोड़ देते हैं ऐसे कह के लोग चले गए दूसरे दिन पता लगा कि चलान खोल दिए पवन की हाइट कितनी क्या 17 साल की हम बड़े हैं तो हमारी बहन उम्र है कद की क्या है कद कितना है लंबाई है हमारी तुमने देखा पवन तुमने देखा पवन कोई नहीं देखा सर वीडियो में आया था पहले एक बाइट के लिए आया तो वो भी कुछ बोल नहीं पाया पहले 5 साल से ना बोला है सर ना चला वार्ड दिखा दो ना हाइट में ऐसे छोटे सा दादी कब आए बच्चे सब तैयारी करते थे जो लड़की प्रशासन कह रही है ना पुलिस तो ये भी बता रहे की ये अपने आप ही मर गए होंगे अभी नहीं बता पुलिस बता सकती कुड़हाड़ा था और रंभा था पुलिस सब ले गई तो उनपे खलबट्टा था खलबट्टा सबूत वो जो मारने वाला आया था वो लेके आए और छोड़ के गए पहचाना भी तो है लोगों को आवाजें जब उठने लगी तो सर यस गोंद को भी जो मारे हैं और उसी के खून उन्हीं के सल पे पहुंच दिया गया है सर यस गोंद को मारे हैं और उसी के सल लेके उसी को ऐसे पहुंच दिया गया है खून लगा दिया घर में जब पकड़े तब सर यस को मार दिया गया था तुम मिलन गए जेल गए थे हमारे पापा यहाँ नहीं भाई भी उसका गया तो बल्ले कहाँ है बल्ले को बुलाओ बल्ले को बुलाओ बल्ले बुलाओ क्या बताया पवन ने कुछ ऐसा बल्ले बच्चा क्या बोल बल्ले बता देगा अभी बल्ले आ जाओ अरे कोई नहीं अरे टोपी उतार दो यार टोपी उतार दो भैया सीबीआई जांच करवाई नहीं हमारा भाई है कि नहीं है सीबीआई जांच अगर मेरा भाई हो तो उनसे भी करिए पसंद नहीं चलते तुम्हारे परिवार में एक तो वो है भाभी जो है उनको भी मारे पहले बच्चे आप लोग इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कौन सा है
देखो महिला पुलिस वाले बोले कि हाँ बीमारी हो जाते हैं गरीबों में बीमारी होती है ये अपनी ताकत को दिमाग वो भी चिंता मत करो सिर्फ पाजी चमान सब लोग आपको देख रहे हैं मगर वो ये भी देख रहे हैं कि आप लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हम इनके खाल में ना घुस भर दें जो क्यों है पता है मुन्ना पासवान वाला मामला पता है अब वो बाद में जब वो पूरा बवाल हुआ तो मुन्ना उनके साथ बातचीत कर ली वरना तो उस दिन नहीं नहीं जो सच है सच है 2019 से इंस्पेक्टर साहब का 2 लाख देंगे कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरे हम कुछ और बता वहाँ अलग वहाँ का आजमगढ़ का ये जानते हैं बच्चे लोग उसका घर वर तोड़ दिया था प्रधान था वहाँ वो क्या कि वो जनरल सेट में प्रधान बन गया अब जनरल सेट में दलित प्रधान बन गया तो चुपता ना लोग तो उसका घर तोड़वा दिया उसका ट्रैक्टर तो सब गए तो वो कप्तान खुद ही भेजे उसके राइफल वाइफल सब वो मजबूत आदमी है पास में ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का है ठाकुर उसके घर आए उसके वो फैसला कराए ठाकुरों का उसके पिताजी बड़े नेता थे वहाँ वो ऊपर बैठे उसके वो ठाकुर सब नीचे बैठे वहाँ चिड़ थी लोगों में उस दिन वो थोड़ा सा हल्का पड़ गया वरना उसी दिन कर देते बारे में इसलिए कह रहे हैं हम समय भी इसलिए लगा रहे थे कि हमें देखना चाह रहे तुम लड़ते हो लड़ते हो अगर तुम ही नहीं लड़ोगे तो हम क्या करेंगे हम कल आए लड़ने तुम हमसे ये कह दो कि भैया सब कुछ ठीक है तो हम क्या करें बताओ हाँ और भी है ना बच्चिया परिवार में सब तुम भी हो ना तुम्हारी तरफ अब आंख उठा लेना कोई मूछ कटवा क्योंकि एक परिवार ये है हम लोग भी वहाँ यहाँ किया कुछ उसको नहीं हुआ तो वहाँ पे भी डर है वहाँ कूदे थे 10 लोग कूदे थे गेट तोड़ दिए इंस्पेक्टर साहब बोले कि तुम अपने खुद देखो गेट तोड़ी हो इंस्पेक्टर है पुलिस तो कर ही रहे हैं ये वही कर रहे हैं सब कर ही रहे हैं यहाँ बता रही है बॉडी में बॉडी में पकड़ रख गया था एसओ ने बस बारी उठाई बोला जहाँ तो जो घर वाले राज्य तुम के बीच में पुलिस का नहीं आया वही समस्या पड़ रही है यही में भैया मैं मना यही, यही, यही समस्या पड़ेगी भाई अब ये हमसे आज जवान दिए और इनसे नहीं ले रहे हैं जवान कसम से नहीं ले रहे तुमसे लेना चाहते हैं एक तुम दो अब तुम दो जवान के अब लड़ेंगे फिर हम देखें ये भी छोड़ जाए सब घर के लोग तो तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा गोली खाने के लिए सबसे आगे तुम दोनों बहने जवान दो कि लड़ोगी फिर लड़े वरना आए और चले जाए चुपचाप अगर कोई अगर परिवार ना माने तो आए फिर पूरा हल्ला गुल्ला मचा के मीडिया मैडम को बता के चुपचाप इसलिए आए कि तुम पहले तुमसे बात हो जाए वही लोग आए जाए तो तुमसे बात ही ना हो पाए वही ऐसे कैमरा वो मुँह के लगाए कैमरा समझ इसलिए चुपचाप आए कि तुम सुनो अब बताओ तुम तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है या नहीं है होगा नहीं हमें न्याय चाहिए हम लड़े दो दो घर में बेटियां हैं बड़ी भैया बता रहा हूँ मैं और पूनम जब लोग थे यहाँ पे जब बड़े उठाया जाए टीम बड़े लेके बड़े में खुद रोक लिया कौन रोक लिए थे हम पूनम जी तुम लड़ना सीख गए हो ना हमारे लोगों को लगता है कि हम नहीं लड़ सकते जबकि हम लड़ भी सकते हैं और हम सर देखिए अगर अपने आप जैसे तो हर संभव है लेकिन भैया ऐसी घटना कभी हम लोग के सामने आई नहीं अब मेरे जाने के बाद ना वो लोग आएंगे तुम्हारे पास और कहेंगे हम उनको भेज रहे हैं उनको मत इन्वॉल्व करो सब चीज़ें करो हमें एक आदमी था ना हम लोग हम टिकाऊ आदमी नहीं है ना पुलिस से डरते हैं अब हम ये करेंगे कि आज तो हमें लूटना है ठीक है अकमल साहब हम काम छोड़ के 16 तक 17 तक के बाद आ रहे हैं ठीक है और हम बैठे यहीं प्रयागराज के सामने और अभी पूछे कप्तान से एडीजी से एडीजी हैं यहाँ अभी पूछे कि इसकी सुरक्षा का क्या सुरक्षा है घरों पर जी के बाद कोई धमकी वमकी हुई सुरक्षा है बाकी हम फिर सब चीज़ें तैयार करते हैं यहाँ के वकील से किससे भी ले लें सब चीज़ें लड़ें ठीक है अब तुम्हें एक काम करना है ये इस आदमी को देखें एक दो लोग वोट दे रहे हैं इनके टच में रहना है कोई अगर कुछ भी कहे सभी के सामने बताए इनको बता देना है क्योंकि वो लोग तो इस मामले को दबाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं पूरा 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 प्रयास इसलिए तो हमें आने से रोके तुम्हारे पास आते क्योंकि उनको पता है कि हम आ जाएं फिर ये दबे ना
मैंने तो रोज चिल्ला कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था वहाँ की चार दरिद्रों को मारा बताओ, कोई चुप ही नहीं, कुछ बात नहीं हो रही। 20 दिन से तो दबा ही रहा, 20 दिन हो गया है, खुलासा ही नहीं आ रहा है। चलो भाई हम लोटर 17 तारीख के बाद बैठेंगे डीएम ऑफिस। तो बताते ना कि हम खरी वाले हैं, सब मैंने वो घर वाले हैं जिनका खून का रिश्ता है हमसे, लटक गया सर। हमें ज्यादा हमारे लोग ना बहुत दिनों से लड़े बड़े थे, सब नौजवान जो है ना सब गुलामी सहना नहीं चाहते हो, समझ रहे हो। अब हमारे पास हम बात करेंगे 17 तारीख तक का समय होगा, 8 तारीख के फिर 4 दिन का समय होगा, जो बेहतर करते हैं सर। इस पुलिस प्रशासन को सर इतनी औकात उनकी बता दीजिए सर कि अगर पंडित ठाकुर इतना पगला गए बौरा गए हैं तो अपनी औकात से आ जाए, हम जैसे बहु बेटियों पे नजर न डाले, नहीं हम लोग सड़क पे आ गए सर तो उनकी माँ बहन एक कर देंगे। देखो हमारे पास उनके साथ ना प्लस एक क्या है, सत्ता और साधन, सरकार उनकी है उनके साधन, लेकिन जिस दिन गरीब अपने हक के लिए करो करो में आता तो सारे साधन सत्ता रखते हैं। हमारे समाज के लिए विधायक आए थे, क्या फूलन देव उदाहरण नहीं है क्या, मान सम्मान के लिए वीरांगनाओं ने ना बलिदान दिए हैं, और हम ये जानते हैं क्योंकि हम पैदा हुए ना तुमसे, मुँह ने तुम्हारा हम अपमानित, हमारी माता मैंने अपमानित की, स्वाभिमान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट भी कहता ना, कोई अगर तुम्हें तुम्हारी हत्या करने का प्रयास करे तो सेल्फ डिफेंस में तुम हत्या करो। हमारे बाबा साहब ने सर इतना सम्मान दिया हम औरतों को सर, कोई अगर बुरी आंख से देखे तो उनकी आंखें नोच जो ऊपर बैठे हैं सत्ता के लोग, विधायक जी आए थे जमुना प्रसाद सरोज, क्या मांग है यहाँ पे, विधायक नेताओं के बारे में नहीं कह सकते, विधायक नेताओं के सबके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं, अच्छा नहीं होता नेता जो है ना कोई भी अच्छा।